ये तस्वीरें आ रही हैं सन से, और एक बार चारों तरफ के दृश्य दिखा दूं उसके बाद। ये देखिए, ये है चुनावी कार्यालय असंध के अंदर भारतीय जनता पार्टी का, और सीधे वे लाइव जोड़ रहे हैं बख्शीश सिंह विर्क, जो कि पूर्व में हरियाणा विधानसभा में CPS रह चुके हैं और यहाँ से असंध से प्रतिनिधित्व कर चुके हैं। सबसे पहले तो आपका स्वागत है सर। मैं सबसे पहले तो आपका, चैनल वाले साथियों का बहुत बहुत शुक्राना और धन्यवाद करता हूँ, और आपको आज मैं इस शिवरात्रि के अवसर पर बहुत बहुत बधाइयाँ देता हूँ कि आपके सभी के परिवार जो हैं वो खुशियाँ भरे रहें। भगवान का यही प्रार्थना करते हैं कि सभी परिवार जो हैं खुशी भरे रहें, सबके घर में तरक्की हो, सबके घर में परिवार में सुख शांति रहे। सर, अभी अन्य पार्टियां सोच विचार में लगी हुई हैं और भारतीय जनता पार्टी ने अपना जो चुनावी ताल है ठोक दी है, बाकायदा हर विधानसभा में जैसी जानकारी मिली है कि चुनावी कार्यालय खुल चुके हैं। देखो, हरियाणा के मुख्यमंत्री जी और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ये बहुत ही सूझबूझ से कार्य करते हैं। इन्होंने सबसे पहले एक ही दिन के अंदर लोकसभा के हरियाणा और देश के अंदर कार्यालय खोलने का कार्य किया। जब 1 तारीख को सारे हरियाणा के अंदर हमने लोकसभा के कार्यालय करनाल में खोले, जो हमारे डिस्ट्रिक्ट लेवल के जो हमारे कार्यालय थे, और उसके बाद उन्होंने 2 दिन के बाद ही तुरंत हमारे को एकदम से मैसेज दिया कि आपने अपने विधानसभा के भी अपने कार्यालय खोलने हैं। हमने संध में यहाँ पर अपना डॉक्टर माणा जी की दुकान के साथ हमारी ये दुकानें लेके हमने यहाँ पर अपने कार्यालय का विधिवत रूप से उद्घाटन भी किया, और उसके बाद जब हमारे माननीय सांसद जी हमारे यहाँ पर आए थे, जब हमारे यहाँ पर एक अटल कंटीन बनी है जिसमें गरीब और किसान मजदूर को जिसमें 10 रुपए में खाना मिलेगा, तो उस दिन हमारे माननीय सांसद जी संजय भाटिया जी भी यहाँ पर अपने चरण डालकर गए थे, और उनको भी ये बड़ा पसंद आया है कि आपने बड़ी अच्छी लोकेशन पर यह दफ्तर अपना लिया है। और मैं अपने संत वासियों से सभी से ये अपील करता हूँ कि काफ़ी हमने यहाँ एक रजिस्टर भी लगाया हुआ है कि जिसके अंदर सभी की एक जिम्मेवारी के साथ जो कार्यकर्ता आता है वो अपने सिग्नेचर भी करके जाता है, और अपना मोबाइल नंबर भी और अपना वार्ड नंबर, अपना गांव का नंबर भी यहाँ पर लिख के जाता है, जिससे हमारे को बहुत सुविधा मिल रही है। जी, जनता के बीच में आप किन मुद्दों को लेके जा रहे हैं इस समय, क्योंकि देश के अंदर जनरल इलेक्शन जो हो रहा है उसकी बात कर रहे हैं? देखो, देश के अंदर जो इलेक्शन हो रहा है, भारतीय जनता पार्टी के देश के प्रधानमंत्री जब 2013 के अंदर जब उन्होंने अपना, उनको पार्टी ने, संगठन ने विधिवत रूप से उनको घोषणा की थी कि हमारे आने वाले 14 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बनेंगे, उसके बाद उन्होंने सबसे पहले हमारी हरियाणा के अंदर रिवाड़ी के अंदर रैली की थी कि जो काफ़ी वर्षों से हमारे जो एक्स सर्विस मैन थे उनकी 1 पेंशन 1 रैंक किसी सरकार ने देने की हिम्मत नहीं रखी। और उस टाइम जस्ट प्रधानमंत्री जी बनने से पहले उस टाइम गुजरात के मुख्यमंत्री थे, उन्होंने आके रिवाड़ी की उस पवित्र धरती पे, जहाँ पर बहुत से लोगों ने, वहाँ के नौजवानों ने शहादत दी है देश के बॉर्डर पर, देश की सीमा पर, उस धरती पे आकर उन्होंने सबसे पहले ये कार्य किया कि हमने 1 पेंशन 1 रैंक जो है, जो पिछले 60 सालों से कांग्रेस की सरकार ने नहीं दी, हम उसको सबसे पहले देंगे। और बनने के बाद तुरंत 28,000 करोड़ रुपया 1 साल का बनता था, जो एक मुश्त में प्रधानमंत्री जी ने वो मंजूर करके प्रधानमंत्री बनने के बाद तुरंत प्रभाव से वो देने का कार्य किया। सर, यहाँ के जो सिटिंग मेंबर पार्लियामेंट हैं संजय भाटिया, उन्होंने रिकॉर्ड मतों से पिछली बार जीत अर्जित की थी और पूरे देश के अंदर दूसरी सबसे बड़ी जीत थी, इस बार क्या माहौल रहने वाला? देखो, मैं उस टाइम के बारे में 19 के जो चुनाव था उसके अंदर मैं अपने सभी करनाल की लोकसभा की जनता को बहुत बहुत बधाई देता हूँ जिन्होंने अपना नाम सारे देश के उस स्थान के ऊपर अपना लिखवाया लोकसभा के अंदर, के पहले नंबर पे जो गुजरात का सांसद था वो आया था, और दूसरे स्थान पर हमारे हरियाणा के सांसद करनाल लोकसभा से बने से उसमें हमारा भी कद बढ़ता है। जब हमारे से यहाँ कोई भारी मतों से जीत के जाता है तो उसमें करनाल लोकसभा के भी नाम जो है ना वहाँ पर अच्छे अक्षरों में लिखा गया है। सर, मेंबर पार्लियामेंट को बनाने के लिए जितनी भी विधानसभाएं हैं सबका योगदान रहता है, पिछली बार जो बढ़त आपने दी थी वो बरकरार रखेंगे या उससे ज्यादा मतों से यहाँ से जिता के? देखो, मेरी तो उम्मीद यही है, और मैं अपनी यहाँ के अपने 2,35,000 मतदाताओं से यही अपील करता हूँ कि पिछली बार से हम ज्यादा यहाँ से जिता कर भेजेंगे, क्योंकि उसका कारण भी है, वजह भी है। इस बार हरियाणा के अंदर पिछली सरकारों में देख लो आप, चाहे वो चौटाला साहब की सरकार रही हो, चाहे वो देवीलाल जी की सरकार रही हो, और चाहे हुड्डा साहब की सरकार रही हो, उनकी सरकार के अंदर सिर्फ 80,000 बच्चे लगे थे हरियाणा के अंदर।
वो भी खर्ची और पर्ची के माध्यम से लगे थे, लेकिन इस बार 1,30,000 बच्चे इस 9 साल के अरसे के अंदर हरियाणा में लग चुके हैं। और आज बड़ी खुशी की बात है कि डी ग्रुप की जो आज लिस्ट लागू हुई है, HSC में लगे हैं जो हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की तरफ से, उसमें 10,997 बच्चों की आज सवेरी घोषणा हुई है, जो 2 दिन के अंदर ही, अब छुट्टी के दिन के अंदर भी सभी अधिकारियों को चंडीगढ़ से मैसेज दिया गया है कि आप कोई छुट्टी नहीं करेंगे, 2 दिन के अंदर उन बच्चों को ज्वाइन कराएंगे। और आज मुझे अभी बता रहे थे कि यहाँ से 6 बालक लगे हैं कल्ले जयसिंहपुर गांव से, ऐसे ही चोचड़ा गांव से भी मेरे पास अभी सुदामा जी बैठे हैं, वो भी बता रहे थे कि मेरे गांव से भी 4 बच्चे लगे हैं। ऐसे में अगर सारी संख्या को गणाऊंगा तो ये मुझे पूरी सूची जो है कल तक मिलेगी। तो मेरे ख्याल में तो मेरी विधानसभा से 500 बच्चे डी ग्रुप में जरूर ज्वाइन करेंगे। सर, बात कर रहे थे आप किसान मजदूर कैंटीन की बात कर रहे थे, 10 रुपये मात्र 10 रुपये में भोजन की बात कर रहे थे, तो अब भी कुछ लोग जो है हम फील्ड में जब जाते हैं तो कहते हैं कि चुनावी स्टंट है भारतीय जनता पार्टी का, जबकि अटल के नाम से जितनी भी योजनाएं शुरू हुई हैं अब तक उनमें से कोई बंद नहीं हुई, क्या कुछ कहना चाहेंगे? नहीं, ये देखो जो अटल के नाम से जो कैंटीन का हमने जो शुरुआत की है ना, तो ये छोटी योजना नहीं है। योजना देखो, जब आप लोगों को पता है कि चौधरी देवीलाल जी जब मुख्यमंत्री से बने से 87 के अंदर उन्होंने 100 रुपये की बुढ़ापा पेंशन लगाई थी, और उस वक्त जो विरोधी लोग थे ये कहते थे कि ये पेंशन तो एक ढकोसला है, ये आगे नहीं चलेगी। लेकिन इतनी कृपा रही भगवान की कि 2014 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार हरियाणा के अंदर आई, इन्होंने बागडोर संभाली, जिसके अंदर मुझे भी विधानसभा में जाने का अवसर मिला। हमने उसको सबसे पहले हुड्डा साहब ने उसको 500 से बढ़ा के 1,000 रुपये किया था, जब देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बने थे। आज वही 1,000 से बढ़ा के माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी ने 3,000 रुपये रखी है। जैसे हमारे को किसान सम्मान निधि के हिसाब से जो हमारे को 6,000 रुपये साल का मिलता है, ये राशि थोड़ी है, हम भी समझते हैं इसको। कई लोग जो है ना इसका दुरुपयोग की करते हैं इन बातों का, लेकिन जो चीज़ एक बार शुरू हो जाती है वो ख़त्म नहीं हुआ करती, क्योंकि 6,000 है, कल को ये 10,000 भी होगी, परसों को ये 15,000 भी होगी, आने वाले समय में 20 साल तक ये 20,000 तक पहुंचेगी। जिस किसान को घर बैठे, छोटे किसान को 5 किले से कम वाले किसान को, 4.5 एकड़ किसान को जब वो 20,000 रुपये साल के मिलेंगे, तो वो जो किसान है वो अपना गुजारा बढ़िया तरीके से कर सकता है। सर, ऑफिस आपने चुनावी खोल दिया है, जिस तरह से सभी वर्गों के लोग लगातार पहुंच रहे हैं सवेरे से शाम तक, क्या संकेत है? इससे ये संकेत जाता है कि जो हर कार्यकर्ता जो बाहर से हर बरादरी से हर जाति से यहाँ पर आता है, और वो आके अपने खुशी खुशी आता है। और अभी देख लेना सवेरी शाम तक हमारे यहाँ 200-250 हमारे कार्यकर्ताओं की संख्या बन जाती है। हमने इसीलिए रजिस्टर लगाया है, हमने चाय की व्यवस्था की है, चाय की व्यवस्था के साथ साथ जैसे ही ये टिकट 2 दिन में ये सोमवार तक ये डिक्लेयर हो जाएगी हमारी, उसके बाद हमने अपने यहाँ पर हर कार्यकर्ता को दोपहर का भोजन की व्यवस्था भी हम अपने यहाँ पर करेंगे दफ्तर के अंदर, कि कोई जो कार्यकर्ता बाहर से आए, गर्मी का मौसम हो जाएगा, मेरे पार्षद जी भी आए हैं, आ जाओ बैठ जाओ जी आप भी। तो इसलिए मेरा कहने का मतलब यही है कि हम हर आदमी को जो यहाँ पर आएगा उसको खाली पेट नहीं जाने देंगे, उसका दोपहर का भोजन की व्यवस्था करेंगे। हमने यहाँ पर अपने इस कार्यालय के अंदर जो परफॉर्मा सरकार ने ऊपर से संगठन ने भेजा था उसके अंदर भी ड्यूटियाँ अलग अलग से लगाई हैं। हमने यहाँ पर हमारे पूर्व MC हैं हरीश जी शर्मा और मालक जी हैं पूर्व MC, उनकी खाने की व्यवस्था के ऊपर ड्यूटी लगाई, साथ में जगदीश गर्ग जी हैं हमारे पहले पार्षद भी रहे हैं, आज उनकी पुत्रवधू है, उनकी ड्यूटी स्पेशल इसलिए लगाई है कि डेली का डेली जो भोजन बने उसके अंदर जो मेनू बनना है अलग अलग, कभी दाल बनेगी, कभी सब्जी बनेगी, तो कभी उसमें चावल बनेगा, कभी जो भी फुल्का जिस तरीके का बनेगा, तो हम उसकी व्यवस्था जो है बड़े अच्छे ढंग तरीके से और बड़ा साफ सुथरे तरीके से हम भोजन देने का कार्य करेंगे। सर, जल्द ही देश के अंदर जनरल इलेक्शन होने वाले, मेंबर पार्लियामेंट चुने जाएंगे, सरकार बन जाएगी, उसके बाद जिन राज्यों में चुनाव होने उनमें हरियाणा प्रदेश भी शामिल है, आप यहाँ से जीत चुके हो, एक बार हरियाणा विधानमंडल में जा चुके हो, तुरंत आगे का क्या माहौल रहेगा? बात करें विधानसभा क्षेत्र की, देखो जब लोकसभा की यहाँ से हमारे सांसद हरियाणा से 10 के 10 बनकर जाएंगे, और जब प्रधानमंत्री देश के नरेंद्र मोदी जी 400 पार का जो नारा लगाया है तो वो नारा पार पूरा होगा और देश के प्रधानमंत्री बनेंगे, तो यह दिन दूर नहीं है कि यहाँ से विधानसभा से ये बख्शीश सिंह दोबारा बन के ना जाए। तो पिछली बार जो पाड़े को हाथ लगने से थोड़ी चूक रह गई थी, इस बार ना चूक, वो चूक ना रहे, क्या कुछ प्रयास हो रहे? इसमें प्रयास जितना मैं प्रयास कर रहा हूँ उससे ज्यादा वो लोग प्रयास कर रहे हैं जो पिछली बार मेरे से थोड़े से दूरियां बना गए थे, वो किसी कारणवश
उनको आज समझ लगी है कि मैंने जो पिछले 5 साल के अंदर लगातार 14 से लेकर 19 तक काम किए हैं, मेरे वो सारे के सारे काम सराहनीय काम थे जो आज भी लोगों को पसंद आ रहे हैं। और मैंने अब भी, मैंने हारने के बाद भी मैं आराम से नहीं बैठा, मैं तो कोरोना के समय के अंदर भी जो राशन गरीबों को नहीं मिलता था, जो गरीब बात दिहाड़ी नहीं कर सकते थे, रात को भूखे पेट सोते थे, उनके घर के अंदर हमने राशन देने का कार्य किया, हमने उनके खाली पेट नहीं सोने दिया, हमने उनके घर घर में गए, हमने कोरोना की भी परवाह नहीं की। लेकिन दूसरी पार्टियों के लोग जो बड़ी बड़ी बातें करते हैं वो घरों से डरते बाहर नहीं निकले। हमारे आपका कहने का भाव ये है कि जो असंध विधानसभा के मतदाता हैं इस समय अपने फैसले पर पछता रहे। हाँ बिल्कुल, देखो उनको कुछ ना कुछ तो मन में उनके मतलब इस बात का पछतावा आया है। लेकिन मैं एक बात आपको जरूर बताना चाहता हूँ कि 2009 का चुनाव, 2014 का चुनाव, 2019 का चुनाव, तीनों चुनावों की जो जीत है ना वो आप अभी जोड़ लेना। अगर भगवान ने कृपा रखी, सुख रखा, अगर संगठन का आशीर्वाद ऐसे बना रहा तो वो तीनों चीजें जो है ना मिला के भी उससे ज्यादा हम बढ़त में हम जाएंगे, ये आपको मैं बताना चाहता हूँ। तो अभी सवाल, क्या कुछ अपील करना चाहेंगे इस चुनावों के मद्देनजर, क्योंकि मेंबर पार्लियामेंट के जो चुनाव होने, कल भी हरियाणा के मुख्यमंत्री जी ने हमारे 679 नए जो काम थे उनकी घोषणा की है, चाहे वो अमृत सरोवर की बात हो, चाहे वो वेस्टिंग पानी जो गांव के थे उनको बाहर ड्रेन सिस्टम करना हो, चाहे हमने और कोई ना कोई पाइप लाइन डालनी थी उसमें, मेरे ख्याल में करीब करीब जिनके हम उद्घाटन करके आए हैं, चाहे वो सड़कों के उद्घाटन थे, 4200 करोड़ का हरियाणा के अंदर कल माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक विधिवत रूप से अपने वहाँ से उद्घाटन किया है पंचकूला बैठ के। और हमने भी यहाँ 17 अलग अलग से जो हमारे वहाँ पर बोर्ड लगे हुए थे उसका उद्घाटन भी कल किया है। और जो मेरा कॉलेज बना है बाबा फतेह सिंह महाविद्यालय उसका भी हमने कल से करनाल में उद्घाटन किया है। और बड़ी खुशी की बात है कि चोचड़ा गांव के अंदर हमने जो एक नई पाइपलाइन डलवानी थी कि गांव के अंदर पानी की व्यवस्था बहुत खराब थी, 84 लाख हमने 80,000 के उससे हम कल उसका डलवाएंगे। और मैं आपसे भी निवेदन करूंगा कि कल आप ठीक 10 बजे वहां पर पहुंचे और मैं विधिवत रूप से नारियल तोड़ के उसका उद्घाटन करूंगा। उस गांव के मेरे पास काफी लोग आज आए बैठे, मैंने उनकी ड्यूटी लगाई है, जब आप देखोगे वहां पर 400-500 लोगों की संख्या होगी। और जिस गांव के अंदर इतनी संख्या हो, जो गांव हमेशा ही पार्टी के विरुद्ध में रहा हो, आज उस गांव से भी इतनी खुशी मिलती है कि मेरे ख्याल में अगर चोचड़ा गांव में भी हम 50% से ज्यादा वोट लेके जाएंगे तो समझो वो दुनिया की ताकत नहीं हमारे को कोई हरा जाए। बहुत शुक्रिया बख्शीश सिंह, बिल्कुल सुन रहे थे असंध का जो चुनावी कार्यालय है यहाँ से भारतीय जनता पार्टी का। सुबह सिंह को जोड़ना चाह रहे थे। भारत माता की जय।